आप खुद बना सकते हो हे गाइस गुड मॉर्निंग आज मैं सुबह सोबे सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली बच्चों का लंच रेडी कर रही थी उनका टिफ़िन बना रही थी सो so, मैंने हॉट डॉग्स लिए हैं उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है एंड आप ऐसे ही सैंडविच बना सकते हो लाइक हॉट डॉग बना सकते हो बट मैं कट करके पीसेस यूज़ कर रही हूँ इसे मैं थोड़ा सा ऑयल लेकर फिर इसे मैं आ, लाइट ब्राउन करूँगी पकाऊँगी एंड अनदर साइड भी मैंने पैन रख लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है एंड इसमें मैंने पनीर ऐड किया है पनीर की रेसिपी भी मैंने बहुत बार शेयर किया है जब मैं रैप बनाती हूँ ना तो ऐसे ही मैं पनीर को बनाकर रैप बनाती हूँ इस पनीर में अब मैं हर्ब्स ऐड करूँगी एंड जो जो चीज़ मैं ऐड करी हूं वो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ऐसे पनीर बनाकर आप ऐसे सेपरेट ही खा सकते हो और आप इसके साथ कोई भी रैप बना सकते हो बहुत अच्छा बनता है एंड इसमें सीजनिंग कर दें लाइक गार्लिक पाउडर अनियन पाउडर लिटिल बिट सॉल्ट एंड पेपर बहुत ही अच्छा बनता है एंड चिकपी सैलड के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हो सो so, अब मैं इसे बनाऊंगी बच्चों का टिफिन रेडी कर रही हूँ आज मैं बहुत ही बिज़ी हूँ आज okay. मैं आपके साथ एक मर की साइन भी शेयर करूँगी एंड क्योंकि घर में मैं पार्टीज़ करती हूँ तो बैक ड्राप्स सारी चीज़ें मैं खुद ही, ही करती हूँ अब मैं जल्दी से बना फिर आपको मिलती हूँ अब मैं अपने बच्चों का टिफिन पैक करूँगी आप ख़ुद के लिए भी ऐसे टिफिन पैक कर सकते हो एक साइड मैंने क्यू कम्बर्स लिए हैं आप फ्रूट वेजिटेबल और सैलड इसके साथ इंजॉय कर सकते हो और इसके साथ स्लाइस ऑफ ब्रेड ले सकते हो और टोस्ट ले सकते हो सो मैंने जो बनाया था हॉट डॉग पीसेस में उसको भी आप सीजनिंग कर सकते हो इसमें भी मैंने थोड़ी सी सीजनिंग की थी जैसे मैंने पनीर में सीजनिंग की है सो पनीर आप ऐसे बना कर खा सकते हो इसके साथ सैलड ब्रेड lettuce tomatoes whatever you like to eat obo oh, enjoy karakarta hey guys good morning i hope you all are doing great and sube sube मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है उनका टिफिन रेडी कर दिया था एंड अब मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी सबसे पहले प्लांट्स को वाटर तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने बैम्बू एक्सटेंड किया था पहले मैं डर रही थी कि एक बैम्बू एक्सटेंड हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती यू कैन डू इट जी है मेरा बैम्बू प्लांट एंड जहाँ से मैंने कट किया था जहाँ से कट किया था न्यू ग्रोथ वहाँ शुरू हो गई है मैंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा बट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ आ गई है एंड एक्सटेंड करना बहुत ईजी है मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया कह देते हैं कि आप बैक्स लगा सकते हो गए हैंडल की मैंने कुछ भी नहीं लगाया एंड uh, बहुत ही अच्छे से ये रीग्रो हो चुका है एंड जो मैंने पीस कट किया था वो ये था बड़ा सा सो so, फिर मैंने इसे वाटर में रख दिया एंड इसकी रूट्स बन गई है लुक दिस सो दिस इज द न्यू रूट्स सो ये बहुत बड़ा था जहाँ ऊपर तक जाता था सो so, ऐसे आप एक्सटेंड कर सकते हो जस्ट सिंपली कट करके अगर आप चाहते हो आपका बैम्बू प्लांट अच्छे से ग्रो करे तो उसका वाटर चेंज करते रहें आफ्टर टू वीक और आफ्टर अ मंथ एंड उसके जो ग्रेवल होती है स्टोन्स होते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं उसे भी अच्छे से क्लीन करें एंड रूट्स में हमेशा अक्ोरियम की जो छोटी छोटी ग्रेवल होती है उसे यूज़ करें वो बहुत ही अच्छी होती है उसे हेल्प करती है वाटर को क्लीन करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए तो मुझे फोम बोर्ड्स मैं लेकर आई हूँ डॉल ड्रामा से गाइस मैं बनाऊँगी नंबर्स विद द लाइट्स एंड स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप अमेजोन से लेते हो तो हंड्रेड डॉलर दैन उसकी शिपिंग भी होती है एंड मैं खुद बनाऊँगी एक्चुअली लाइट्स लगाकर मैंने सारा कुछ ऑर्डर कर लिया है नंबर्स लेटर कुछ भी बना सकते हो बट मैं लेटर्स नहीं नंबर्स बनाऊंगी एंड लेट्स सी कैसे टर्न आउट होता है स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मुझे डी करने का बहुत शौक है जैसे मैं बैक ड्रॉप्स घर में बनाती हूँ बलूनस के साथ मैंने आपके साथ बहुत सारी बैकड्राप्स शेयर की है अगर देखना चाहते हो हर एक वीडियो लिंक इन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और क्लिक करना टॉप टू वॉच दैट वीडियो उससे आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी सो चलो अभी इससे स्टार्ट करते हैं मर्किनवर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फोम बोर्ड चाहिए जो मैंने डॉडरामा से परचेज़ किया है अराउंड वन डॉल एन फिफ्टी सेंट आप सिक्स सेवन ले सकते हो डिपेंड के कितना बड़ा बनाना चाहते हो सो so, मेरे पास ऑलरेडी टेम्पलेट है जो मैंने अपने गूगल पे ही डिज़ाइन किए हैं आप कोई भी ऐप यूज़ करके इसे बना सकते हो फोर फीट हाई में बना रही हूँ पेपर प्रिंट करके मैंने आल टूगैदर उन्हें टेप लगा दिया है अगर आपके पास टैम्पलेट नहीं है तो आप ऐसे मेजर कर सकते हो ऑल अराउंड कितनी आप बेर्थ रखना चाहते हो लाइक ड्रॉ करके फिर आप कट कर सकते सो ये so, एक मैथड है बट ये थोड़ा सा हार्ड होता है ट्रिकी होता है आपको इक्वल मेजरमेंट करनी पड़ती है कि कितना कितना आपको रखना है हर एक तरफ एंड फिर उसे ड्रॉ करके कट करना होता है लाइक like, पहले ड्रॉ कर लें नंबर जो भी नंबर आप और लेटर बनाना चाहते हो फिर इक्वल उसे मेजर करके फिर कट कर लें बट मुझे टेम्पलेट ज़्यादा इजी लगी जस्ट आपको फोम पे रखना है मार्क करके कट करना है मैंने ऐप में बनाई है अगर डिटेल में इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना कोई भी नंबर टेम्पलेट लेके एंड फिर फोम बोर्ड को आप एडजस्ट कर सकते हो वर्थ एंड लेंथ उसकी सेट करके उसके ऊपर रख के मार्क करके फिर आपको उस मार्क को कट करना है ऐसे ही आप कोई भी नंबर टेम्पलेट लेके उसे कट कर सकते हो मैं सिक्स एंड एट को भी कट करूँगी सिक्स को भी ऐसे प्लेस करना है फॉर्म पर एंड उसे कट कर लेना है कट करने के बाद उसमें आप लाइट्स लगा सकते हो बॉर्डर बना सकते हो लाइक ऐसे ही, जे मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी जब आपका टेम्पलेट कट हो जाता है तो ऐसे फ्लैट शीट आ जाती है ये नंबर एट है मैं अपने मर लेटर्स में लाइट्स भी ऐड करूँगी लाइट्स अभी लगाऊँगी नहीं जस्ट मार्क करके उसे कट करूँगी एंड बॉर्डर बनाने से पहले ही अगर आप ये कर लें तो ईजी हो जाता है सो लाइट जहाँ रख के मैंने उसे लाइक like, बॉटम उसकी जो uh, है साइज उसको ही मेजर करके मार्क किया है मैं ऑल टूगेदर फोर्टीन लाइट्स यूज़ करी हूँ डिपेंड के आप कितनी लाइट्स यूज़ करना चाहते हो क्योंकि मेरे पास है फोर फीट हाई नं की नंबर एंड ये बॉटम पर मैंने रखा है क्योंकि आपको प्लग करना होता है एंड uh, जहाँ मैंने मार्क कर लिया है जस्ट लाइट को ऊपर रख के जस्ट मार्क कर लें एंड मेजरमेंट कर लें पहले एंड uh, कहाँ कहाँ आपको लाइट लगानी है फिर आप उसे ऐसे और मार्क कर लें एंड जब आप कट करते हो ना तो इजी हो जाता है फिर सर्कल ईजी नहीं निकलता है उसका सो इसलिए मैंने जस्ट आपको मार्क करके दिखाया है जब भी आप कट करते हो तो ऐसे कट करके फिर उसे निकालें वो भी मैं बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ सो so, ऐसे लाइट्स को मार्क कर लिया है मैंने एंड 14 लाइट्स आल टुगेदर मैंने ऐड की है अब मैं इसे कट करूँगी शार्प नाइफ़ के साथ ऐसे इजीली आप इसे कट कर सकते हो एंड होल्स मैंने बना लिए हैं जहाँ मैं लाइट प्लेस करूँगी जे मैं एंड में करूँगी सो so, ऐसे होल बना लिए हैं मैंने नेक्स्ट आप इसे जॉइन कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं इसका फिर आपको ऐसे बॉर्डर बनाना होता है बॉर्डर की हाइट बर्थ डिफरेंट होती है आप बाइडर कितना बनाना चाहते हो अगर आपको एग्जैक्ट मेरी नंबर की हाइट बर्थ चाहिए बॉर्डर का साइज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ टेम्पलेट के बाद आपको पूरी ऐसी शीट मिल जाती है जो जी मैंने बॉर्डर अंदर क्रिएट किया है उसको आपको सेपरेट शीट से ऐसे मेजर करके कट करना पड़ता है मैंने अराउंड फोर एंड हाफ जहाँ तक वाइडर रखा है उसका बॉर्डर एंड वो आपको लाइक like शेप के अकॉर्डिंग उसका बॉर्डर मेजर करके फिर आपको उसको कट करना है फिर आपको ऐसे छोटे छोटे पीसेस मिल जाते हैं फिर आपको उसे जॉइन करना है अब मैं ज्वाइन करूंगी एंड बॉर्डर को रेडी करूँगी जे नंबर सिक्स से आप देख सकते हो कि कितने पीसेस है बॉर्डर के लिए छोटे छोटे पीसेस आपको कट करने पड़ते हैं एंड अकॉर्डिंग टू शेप एंड छोटी छोटी चीज़ आपको मेजर करनी पड़ती है जहाँ मैंने मेजर करके कट करके रखी है एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट क्योंकि बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं एंड मेक श्योर जब भी आप बिरथ कट करते हो इक्वल बिरथ हर एक साइड पे होनी चाहिए सो so, ऐसे मैंने इसे कट कर लिया है अब इसे मैं ज्वाइन करूँगी लाइक दिस। सो इसके लिए मैं क्या करती हूँ टेप पीछे पहले आप लगा सकते हो पहले मैंने ग्लू कर लिया था ज्वाइन कर लिया था ग्लू गन आप यूज़ करके पीछे उसे टेप के साथ और सपोर्ट दे सकते हो जब भी आप बॉर्डर बनाते हो मेक श्योर कि जो अंदर वाले बॉर्डर होते हैं ना उसे पहले ही सेट कर लें पहले इससे मेजर कर लें एंड फिर उसे सेट करने के लिए ग्लू गन लेकर ग्लू करूंगी अब मैं लाइक दिस सो मेक श्योर कि इक्वल होने चाहिए ऑल अराउंड जो भी आप बॉर्डर की हाइट बिर्थ रखना चाहते हो राइट सो so, फिर ऐसे बॉर्डर बन जाता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है एंड लाइट का कट भी मैंने पहले लगा लिया था बॉर्डर भी बना दिया है फोर एंड हाफ़ इसका बॉर्डर रखा है मैंने एंड ऐसे नंबर्स मैंने रेडी कर लिए हैं आप कोई भी नंबर लेटर ऐसे बना सकते हो मैंने तीन नंबर्स बनाए हैं वन सिक्स एट एंड अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें लाइट्स लगाना चलो वो सेट करते हैं लाइट्स को मैंने ऐसे प्लेस कर लिया है एंड प्लग मैंने नीचे रखा है फिर इजी हो जाता है उसको लगाना बैक साइड से मैंने लाइट को ऊपर रखा है ऊपर रखकर फिर आपको इजीली ऐसे प्रेस करना है अगर ज्यादा प्रेस करोगे तो वो फिर अंदर ऐसे पूरी चली जाती है डोंट वरी आप फिर उसे निकालकर हाफ वे तक ऐसे बस पुश डाउन करें तो ईज़िली सेट हो जाती है ऐसे आप सारी लाइट्स सेट कर सकते हो एंड इसकी वायर की एडजस्टमेंट हो जाती है सो so, सबसे पहले होल कर लें इजी हो जाता है बाद में लाइट लगाना अब मैंने लाइट लगा ली है नंबर एट आप देख सकते हो एंड लाइट की एडजस्टमेंट हो जाती है ब्राइट जैसे भी आप करना चाहते हो एंड एंड में जो मेरे जो एजेस थे जब हम कट करते हैं ना थोड़ा तो वो रफ तो लगते हैं तो मैंने डॉलर स्टोर से ये टेप ली है एंड बहुत ही ईजीली ये मैच हो जाती है एंड आप टेप भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने इस टेप को यूज़ किया है बहुत ही अच्छा कलर है इसका ये पेपर टेप है एंड इसको मैं ऊपर लगाऊंगी एंड जो एक्सेस है वो बस नीचे को फोल्ड कर दे एंड फिर बॉर्डर बहुत ही अच्छे से स्मूथ बन जाता है लाइक दिस एंड आप लाइट की एडजस्टमेंट भी देख सकते हो इतनी लाइट्स मैंने आगे को पुश की है एंड बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है सो so ऐसे मैंने मरकी नंबर्स बना लिए हैं पार्टी के लिए अब आया है एमजोन से कुशबो मैं हॉल आपके साथ शेयर करती हूँ जी दो डब्बे हैं को मैं बाद में ओपन करती हूँ सबसे पहले ये कुछ बैलूस हैं इसमें है रेड कलर मटैलिक एंड ये छोटे बैलून्स मैंने ऑर्डर किए हैं ये भी मैं शेयर करूँगी जब मैं बैकड्रॉप बनाऊँगी वाइट कलर के ऑर्डर किए हैं देन मैंने मटैलिक गोल्ड भी ऑर्डर किया है देन मैंने सिल्वर भी ऑर्डर किया है एंड नेक्स्ट ये किट है इसमें ब्लैक है मिक्सड है एंड नेक्स्ट अब मैं इसको ओपन करूँगी सो so, इसमें मैंने बैकड्रॉप के लिए अर्च ऑर्डर और की है एंड मैं पहले भी बहुत सारी बैकड्रॉप्स बनाती हूँ बैलूनस के साथ एंड आप वो सारी वीडियोस चेक कर लें इस बार कुछ नया लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जब मैं बनाऊँगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी ये गोल्ड कलर की है एंड इसके साथ मैंने कुछ हेड पीस मंगवाए हैं पार्टी के लिए एंड दिस इज़ रियली रियली गुड एक्चुअली सो so, अब जब मैं बनाऊंगी बैकड्रॉप उसमें मैं सारी चीजें शेयर करूंगी सो so, आज थी विसाखी गाइज हम फिर गुरुद्वारा साहिब चले गए एंड हैप्पी बिसाकी टू ऑल ऑफ यू ऐसे बनाया मैंने मर्की साइन ये बहुत ही अच्छा है एंड इसमें लाइट्स भी ऑन होती हैं मैं दिखाती हूँ एंड जब मैं पार्टी में इसे रखूंगी फिर और डिटेल में दिखाऊँगी एंड बैकड्रा भी मुझे सेट करना है वो भी अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी सो so, इसकी जो लाइट है ना वो एडजस्ट हो जाती है सो लुके दिस सो अभी तो डे टाइम है सो डे टाइम में आपको इतना पता नहीं चलेगा एंड लुके दिस अगर आप इसे अमेजन से मंगवाते हो वन हंड्रेड डॉलर प्लस फिर आपको शिपिंग देनी पड़ती है एंड वो आपको जस्ट कट करके पीसेस दे देते हैं एंड आपको खुद ग्लू करना पड़ता है गाइज यस सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगर amazon से लूंगी उसे ग्लू करूँगी एंड फिर तो वही काम है एंड इतनी मैं मनी पे करूंगी राइट क्यों सो फिर मैंने सोचा मैं खुद फोम बोर्ड लेकर इसे बनाती हूँ बहुत ईजी है एंड हेल्प ले लेना किसी की जो आपके लिए मैचर कर दे कट कर दे अभी ने मुझे कट करके पीसेस दे दिए थे सो so, ये फैमिली का प्रोजेक्ट था पूरा मैंने खुद अकेले में नहीं किया लाइक like, किसी ने कट किया किसी ने मेरे साथ ग्लू करवाया बहुत ही इजी था हमने फ़न किया एंड बना लिया मैंने तीन नंबर्स बनाए आप लेटर्स भी, बना भी बना सकते हो नंबर्स भी बना सकते हो सो इसे कहते हैं मड़की साइन आप Amazon से सर्च कर सकते हो अगर वहां से परचेस करके आप ख़ुद ग्लू करना चाहते हो वो कर सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट टेम्पलेट चाहिए इसकी लाइक like इसकी वर्थ होती है ना कि कितना आपको कट कहाँ से करना है तो मुझे बताना मैं इसकी जो टेम्पलेट है ना मेजरमेंट की लाइक like आपको कितना वाइडर एंड uh, इसकी वर्थ बनानी है एक्चुअली मैंने फोर फीट हाई बनाया है इसे एंड हमने एक ऐप uh, यूज़ uh, किया था जहाँ इसकी टैम्पलेट हमने बनाई थी फिर उसे प्रिंट किया था मेरी डॉटर ने बहुत हेल्प की उसमें उसने आ, पूरा मेजरमेंट करके टेम्पलेट प्रिंट करके मुझे दी लाइक like ये पूरा फैमिली प्रोजेक्ट था हमारा हमने फ़न भी किया आल टुगेदर बनाया बहुत जल्दी बन गया एंड नेक्स्ट इसकी लाइट्स जो वेनिटी लाइट्स होती हैं वो मैंने यूज़ किया है लास्ट अमेजन हॉल चेक कर लेना क्योंकि अभी मेरे पास उसका डिब्बा नहीं है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती सो so उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइट मैंने यूज़ uh, किया है सो स्टेप बाई स्टेप ऐसे आप नंबर्स uh, बना सकते हो मैंने दो तीन नंबर्स बनाए हैं अपकमिंग वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि अपनी बैकड्राप uh, मैं कैसे बना रही हूँ इस बार बहुत सारी बैकड्रॉप्स मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया इस है इस बार टोटली डिफरेंट है दैन पहले जो मैंने बनाई है राइट सो स्टे यून रहना फॉर अपकमिंग वीडियो सो ऐसे इजी है आप खुद बना सकते हो अगर आप अमेजोन से लेकर बनाना चाहते हो तो टोटली अप टू यू अमेजोन से लेकर बनाना फिर उसे खुद आकर आप ग्लू करना वो सेम थिंग ही होती है राइट सो डॉलरामा से आप ऐसे फोम बोर्ड वोट परचेज करके अराउंड वन डॉलर फिफ्टी सेंट का एक आता है आई थिंक एक के लिए दो या तीन यूज़ uh, हुए हैं ऑल टुगेदर सिक्स और सेवन मुझे लगे हैं एंड फिर बॉर्डर के लिए अनदर टू और थ्री दैट्स इट सो बहुत इजी बन जाता है बहुत सस्ता बन जाता है एंड लाइट्स भी अराउंड ट्वेंटी डॉलर की थी फोरटीन पीसेज डिपेंड कि आप कितनी इसमें ऐड करना चाहते हो मैंने आई थिंक फोर्टीन पीसेज यूज़ किए हैं सो ऐसे आप बना सकते हो गाइज सो so, बहुत ही अच्छा बन जाता है के पीछे अगर बॉर्डर बनाना चाहते हो तो ऐसे बस कुछ बॉर्डर बना सकते हो बट ये इजीली ऐसे ही स्टैंड हो जाते हैं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मैंने ये एट थोड़ा सा हैवी था इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉर्डर पीछे बना दिया जे जस्ट बेट है कि वो अच्छे से स्टैंड रहे एंड लाइट्स ऐसे दी थी, थी मैंने पीछे एंड या yeah, इसको जब भी लाइट लगाते हो मेक श्योर sure के नीचे ही लगाएं फिर वो ईजीली प्लग आपका हो जाता है सो so, या yeah. सो दिस इज़ रियली गुड एंड इसका जो बॉर्डर है वो भी बहुत अच्छा बना था अमेजिंग ना सो so, मैं खूब करती हूँ कि आपको आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा आपको मोटिवेशन मिली होगी ऐसे आप खुद कर सकते हो कुछ भी करना चाहते हो सो स्टेट फॉर अपकमिंग वीडियो उसमें मैं बैक ट्रप शेयर करूंगी एंड घर में है पार्टी उसकी जो भी uh, मैं तैयारी करूंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज एंड अपना ध्यान रखना खुश रहना अब मैं मिलूंगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में एंडल दिन गाइज लव यू एंड बाई गज एंड गैट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आप खुद बना सकते हो